प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम ब्रिटिश संविधान में राजमुकुट के अधिकार एवं शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने राजा और राजमुकुट के मध्य अंतर को जानने का प्रयास किया था और उसमें हमने ये देखा था कि राजा और राजमुकुट के मध्य में अंतर पाया जाता है, क्योंकि राजमुकुट की हमें शक्ति एवं कार्य को भली प्रकार से समझना है तो हमें वो अंतर जानना जरूरी है जो ब्रिटिश संविधान में राजा और राजमुकुट के मध्य में पाया जाता है। एक बार पुनः संक्षेप में हम उसको दोहरा देते हैं। दोनों के मध्य में जो अंतर पाया जाता है उसको अंतर को हम एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं। राजमुकुट एक संस्था है जबकि राजा एक व्यक्ति है। तो राजमुकुट एक संस्था होने के नाते इसमें राजा भी सम्मिलित है, संसद भी सम्मिलित है और मंत्रिमंडल भी सम्मिलित है, जबकि राजा केवल अकेला व्यक्ति है। दूसरा अंतर था, राजमुकुट अमर है, राजा नश्वर है। क्योंकि राजमुकुट एक संस्था है और संस्था होने के नाते शासन की ये सर्वे सर्वा है, सारी शक्तियाँ उसमें निहित हैं, इसलिए न वो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, जबकि राजा नश्वर होता है, एक समय पर जन्म लेता है और फिर उसके बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। राजमुकुट एक सावयव है। सावयव का मतलब होता है कि राजमुकुट जीवधारी प्राणी की भांति होता है, जिसमें शासन के जो विविध अंग हैं वो आपस में सब एक साथ जुड़े हुए हैं, उनका एक स्वरूप है। जबकि राजा राजमुकुट का एक अंग है। जैसे कि हमने बताया था कि राजमुकुट एक संस्था है और संस्था होने के नाते उसमें राजा भी सम्मिलित है, मंत्रिमंडल भी सम्मिलित है और संसद भी सम्मिलित है। तो एक तरह से राजा राजमुकुट का एक अंग है, एक भाग है। राजमुकुट के पास विशाल शक्तियाँ हैं, यानी ब्रिटिश संविधान में जो शासन की समस्त शक्तियाँ हैं, चाहे वो कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, वो सारी की सारी शक्तियाँ राजमुकुट में निहित हैं। राजा केवल एक रश्मि प्रधान की भांति कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि उसके पास केवल औपचारिक या सैद्धांतिक शक्तियाँ हैं, व्यवहार में उसकी शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट के द्वारा होता है। राजमुकुट सामूहिक है जबकि राजा व्यक्तिक है। तो ये अंतर हमने देखने का प्रयास किया है, ये दोनों में अंतर पाया जाता है। तो हमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि राजमुकुट ब्रिटिश संविधान में एक विशेष स्वरूप प्राप्त कर चुका है और उस स्वरूप के अंतर्गत वो एक इस चित्र के माध्यम से उस स्वरूप को या संरचना को हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि जिसमें संसद भी सम्मिलित है। राजमुकुट में ये संसद भी सम्मिलित है, इसमें राजा भी सम्मिलित है और मंत्रिमंडल भी सम्मिलित है। तो राजमुकुट इनका एक संस्था बन गया है और इस रूप में शासन की सर्वोच्च शक्तियाँ, चाहे वो विधायी शक्तियाँ हों, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ हों, चाहे न्यायिक शक्तियाँ हों, वो सारी की सारी शक्तियाँ राजमुकुट में निहित हैं। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजमुकुट के द्वारा ब्रिटिश संविधान में किन किन शक्तियों का उपयोग किया जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने उनके शक्तियों को कुछ भागों में विभाजित किया है। जैसे कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियाँ हैं वो सम्राट में निहित हैं। ब्रिटेन में सम्राट सर्वोच्च कार्यपालिका है, देश का समस्त शासन उसी के नाम से चलता है। वह संपूर्ण देश में कानूनों को लागू करवाता है, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वह तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है, वह संपूर्ण देश में शासन के संचालन एवं नियंत्रण का कार्य करता है, वह स्थानीय सरकारों के कार्यों के देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य करता है। तो देखने में ये जो शक्तियाँ हमें हैं, ये वास्तव में जो क्राउन की शक्तियाँ हैं, सम्राट की शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों का प्रयोग वहाँ के मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। लेकिन ये चूँकि हमने अभी पढ़ा था कि
जो सम्राट है, क्राउन है, राजमुकुट है, वो उसमें मंत्रिमंडल भी सम्मिलित है, संसद भी सम्मिलित है और उसमें शासन की समस्त शक्तियाँ सम्मिलित हैं। तो उसकी शक्तियों का इन विविध अंगों के द्वारा जो प्रयोग किया जाता है, उसी संदर्भ में हमें इसको जानना समझना है। हमें ये नहीं उलझन में आना है कि हम एक राजा की बात कर रहे हैं, राजा की शक्तियों की बात कर रहे हैं। ये राजा की शक्तियाँ नहीं हैं, ये राजमुकुट की शक्तियाँ हैं और राजमुकुट की शक्तियों का प्रयोग वहाँ का मंत्रिमंडल करता है कार्यपालिका के रूप में। दूसरी शक्तियाँ आती हैं विधायी शक्तियाँ, क्योंकि विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद के द्वारा किया जाता है। संसद की जो शक्तियाँ हैं वो सारी की सारी विधायी शक्तियाँ क्राउन में निहित होती हैं और विधायी शक्तियों के रूप में राजमुकुट है वो वैधानिक शक्तियाँ राजमुकुट तथा संसद में निहित होती हैं। राजमुकुट संसद का सत्र बुलाता है, सम्राट संसद में उद्घाटन भाषण देता है, वह संपूर्ण देश के लिए कानून निर्माण का कार्य करता है, संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक पर राजा की स्वीकृति आवश्यक है, वह उपनिवेश के संबंध में अनेक घोषणा करता है, राजमुकुट प्रदत्त व्यवस्थापन के अंतर्गत अनेक नियम व उपनियम बनाने का कार्य करता है। तो विधायी शक्तियों में संसद भी सम्मिलित है, सम्राट भी सम्मिलित है, यानी राजा भी सम्मिलित है। तो इस तरह से राजा और संसद के द्वारा संयुक्त रूप से जिन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो क्राउन की विधायी शक्तियाँ कहलाती हैं। तो इस तरह से ब्रिटेन में जो वैधानिक शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, वो राजमुकुट और संसद में निहित हैं और इन शक्तियों का वो उपयोग करता है। न्यायिक शक्तियों की हम बात करें ब्रिटेन में, तो राजमुकुट न्याय का स्रोत है, वह न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, समस्त न्यायिक कार्य उसी के नाम पर किया जाता है, राजमुकुट को क्षमा और दंड देने का विशेष अधिकार है। तो ये न्यायिक शक्तियाँ हैं, वो सम्राट के द्वारा या राजमुकुट के द्वारा उनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से न्याय का भी उसको स्रोत माना जाता है और वहाँ पर न्यायाधीशों की नियुक्ति भी उसके द्वारा की जाती है और जो भी न्यायिक कार्य है उसी की देखरेख में संचालित होता है। इसके अतिरिक्त वह किसी कानून का उल्लंघन करने पर किसी भी अपराधी को क्षमा कर सकता है या उसके दंड को कम कर सकता है, ये विशेषाधिकार उसे प्राप्त है। अब हम धार्मिक शक्तियों को देखेंगे कि राजमुकुट की धार्मिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। ब्रिटेन में राजमुकुट चर्च का प्रमुख होता है और चर्च का प्रमुख होने के नाते वो विविध धार्मिक शक्तियों का उपयोग करता है। जैसे ब्रिटेन में कैंटरबरी तथा यार्क आर्च बिशपों, मिशनों तथा अन्य चर्चों के पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। सम्राट चर्च के अंतर्गत अनुशासन संबंधित विषयों का सर्वोच्च अधिकारी होता है, वो देखने का प्रयास करता है कि चर्च में अनुशासन व्यवस्था बनी रहे। वह धार्मिक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। तो इस तरह से राजमुकुट को धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। अन्य शक्तियों में हम देखते हैं कि ब्रिटेन में राजमुकुट को सम्मान का स्रोत कहा जाता है, यानी ब्रिटेन में जितने भी उपाधियाँ और सम्मान प्रदान करने का कार्य है वह सम्राट के द्वारा किया जाता है और जो भी उपाधियाँ दी जाती हैं वो सम्राट के या क्राउन के द्वारा या राजमुकुट के द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये उपाधियाँ वर्ष में 2 बार विशेष सेवा के लिए प्रदान की जाती हैं। तो इस तरह से हमने राजमुकुट या क्राउन की शक्तियों को देखने का प्रयास किया है और इनमें जो अध्ययन किया गया है उससे स्पष्ट है कि क्राउन की शक्तियाँ एवं कार्य बहुत अधिक विस्तृत हैं और इनको देखने पर कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ब्रिटेन में आज भी अधिनायक तंत्र हो, क्योंकि वहाँ राजमुकुट को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं।
लेकिन हमें ये समझना होगा कि राजमुकुट की शक्तियाँ किसी राजा की शक्तियाँ नहीं हैं, किसी एक व्यक्ति की शक्तियाँ नहीं हैं। वहाँ ये शक्तियाँ एक संवैधानिक शक्तियों के तौर पर ये संसद में, मंत्रिमंडल में निहित हैं, और राजा की इन शक्तियों का प्रयोग संसद और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है।